हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि छोटी से छोटी चीज़ में भी हमें तकलीफ देती हैं। तो देखिए, उन्हीं में से कुछ इस तरह का, ये भी जो एवेंजर का लॉक होता है उसमें इंसान तकलीफ से जूझता है कि इसे कैसे लॉक किया जाए, कैसे लॉक होगा। तो जिन लोगों के पास एवेंजर है उन्हें तो इसके बारे में मालूम होती है। कभी कभी ऐसा होता है उन्हें भी इस चीज़ का नॉलेज नहीं होता, और कुछ लोगों को होगा, बट वो ऐसा ना सोचे कि मैंने उन लोगों के लिए बनाया। मैंने उन लोगों के लिए ये वीडियो बनाया है जिन्हें इसके बारे में नहीं पता। तो आइए सीखते हैं कि कैसे इसे लॉक करना है। तो देखिए, आम गाड़ियों में तो खाली आप ऐसा ऑफ ऑन कर देंगे तो हो जाता है, तो ऐसा नहीं है। देखिए, ये हमने ऐसा ऑन किया, फिर इसे पुश करना है आपको। जब आप चाबी को ऐसा घुमा देंगे सीधा, फिर इसे पुश कर हल्का हैंडल आप हिला कर इसे घुमा दीजिए, वही ऑफ पोजीशन के। तो बट पुश करना ज़रूरी है, पुश करने के बाद नहीं, क्योंकि जब अंदर वो जाएगा लॉक आपका, फिर आपको वापस से ऑफ पोजीशन पे कर देना है, तो ये हमारा हैंडल लॉक हो जाएगा। बहुत सिंपल है, मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूँ। देखिए, ये देखिए, अभी ये अंदर साइड में लॉक फंसा हुआ है, तो अभी हम इसे ऊपर करेंगे, हल्का सा हैंडल को हिलाएँगे और इसे थोड़ा ऊपर कर देंगे। ये देखिए, ये ऊपर हुआ, ये बाहर हमारी चाबी आ गई है। ये देखिए, फिर भी मैं आपको दिखाने के लिए थोड़ा करीब से दिखाता हूँ। ये देखिए, ऑफ पोजीशन पे हमने रखा, अब इसे हमने देखिए खोला। ये देखिए, ये अंदर साइड में है। अब हमने इसे सीधा किया, सीधा करने के बाद फिर इसे हम ऑफ करेंगे, फिर ये बाहर आ गई। तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप इसे रिपीट कर सकते हैं, और मुझसे कमेंट बॉक्स, तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा स्टेप वगैरह कैसे करना है, वरना आप इसे वीडियो को देखकर भी सीख सकते हैं। आप लोगों को छोटी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर ना पसंद आई हो तो इसे डिसलाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड बाय। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। कीप स्माइल ऑलवेज़।